नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। समाजवादी पार्टी में चीजें तेजी से बदल रही हैं। बैठकों का दौर जारी है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि अखिलेश के घर जो विधायकों की बैठक जारी है, बैठक में 182 विधायक पहुंच चुके। विधायकों से अखिलेश के समर्थन में दस्तखत लिए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि देर शाम तक विधायकों को रोका जाएगा। तो अखिलेश के घर विधायकों का जमावड़ा लगा हुआ है। 182 विधायक फिलहाल पहुंच चुके हैं और अखिलेश के समर्थन में विधायकों से दस्तखत लिए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि इस मीटिंग के बाद किस तरीके के समीकरण बनते हैं, आगे अगला दाव अखिलेश का क्या हो सकता है। तो दो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर कि किस तरीके से समर्थक लगातार ये मांग कर रहे हैं मुलायम सिंह यादव से कि अखिलेश को पार्टी में दोबारा लिया जाए, अपना फैसला मुलायम सिंह को यहाँ बदलना चाहिए, ऐसी मांग है इन सभी समर्थकों की। तो समर्थकों का जमावड़ा लगातार। तो अखिलेश यादव और पार्टी विधायकों की बैठक यहां पर जारी है और इस बैठक में आपको बता दें कि मोबाइल पर भी पाबंदी लगी हुई है, विधायकों से दस्तखत लिए जा रहे हैं। तो देखिए तस्वीरों में किस तरीके से प्रदेश की जनता मांग कर रही है, समर्थन में जुटी है अखिलेश यादव के। और उधर समाजवादी पार्टी के दफ्तर में भी मुलायम बैठक लेने वाले हैं जिसके लिए विधायक पहुंच रहे हैं। शिवपाल यादव पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। वहीं बस्ती के हरैया से विधायक राजकिशोर सिंह सपा दफ्तर मुलायम की मीटिंग में पहुंचे और अलीगढ़ के विधायक जमीर उल्ला खान भी सपा दफ्तर पहुंचे। ओम प्रकाश सिंह विधायक और मधुकर जेटली MLC मुलायम की मीटिंग में पहुंचे। वहीं बैठक में पहुंचे SP नेता अतीक अहमद ने कहा कि अगर मेरी वजह से मुलायम अखिलेश में मतभेद है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। समाजवादी पार्टी के दफ्तर पर विधायकों का पहुंचना भी शुरू हो चुका है। बस्ती के हरैया से विधायक राजकिशोर सिंह पार्टी दफ्तर पहुंच चुके हैं। अलीगढ़ के विधायक जमीर उल्ला खान भी पार्टी के दफ्तर पहुंचे और ओम प्रकाश सिंह और MLC मधुकर जेटली मीटिंग में पहुंच चुके हैं। और उधर सांसद धर्मेंद्र यादव अखिलेश के घर पहुंचे। फिलहाल ये अपडेट पहुंच रहा है यूपी के बदायूं से SP सांसद हैं धर्मेंद्र यादव। दोनों खेमों का दावा है कि पार्टी उन्हीं के नेता की है। अखिलेश और मुलायम समर्थकों का कहना क्या है, आइए आपको सुनवाते हैं। देखिए अभी अभी हम आए हैं और हम अंदर जा रहे हैं। आपका हीरो कौन है, अखिलेश मुलायम? अब आप समझ सकते हैं अगर मैं 5 के 10 में हूँ तो मेरा तो CM साहब है और वैसे नेताजी हमारे पितातुल हैं और सुपाल भाई हमारे पितातुल हैं। पहले एक बैठक होना फिर देखते हैं। सिर्फ अखिलेश, ओनली फॉर अखिलेश, जहाँ अखिलेश वहाँ विजय। और ये हमारा नहीं, गोमती भाई का भी कहना है। हम लोग माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनना देना चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश का चेहरा सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव जी हैं, विकास पुरुष अखिलेश यादव, हमारे नेता अखिलेश यादव जी हैं। हम लोग अखिलेश यादव जी के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के, हमारे बड़े भाई भी, छोटे भाई भी, सब लोग। जनता आपको सुनना चाह रही है, अखिलेश या मुलायम? अखिलेश भैया, ये पूरी बैठक जो है इस बात को तय कर दे रही है आज की पूरी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी है। देखिए आज इस देश में वो फैसला होने जा रहा है कि इस देश की तकदीर बदलेगी। आप किसकी बैठक में जा रहे हैं? हम अखिलेश यादव जी। तो आप किस में जा रहे हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी में। क्या कहना चाहेंगे जो कल मुख्यमंत्री जी को पार्टी से निकाल दिया? ये इन लोग का झगड़ा, उसमें नहीं कुछ बोलूंगी। आप कहाँ से विधायक हैं? मैं चंदौली जिले से हूँ, चकिया। हम अखिलेश यादव के साथ हैं और किसी बैठक में नहीं जाए, सिर्फ अखिलेश यादव के साथ। कल जो कुछ कार्रवाई हुई है, शिक्षित राज्य मुख्यमंत्री जी को निकाला गया, अब वो बहुत निंदनीय है लेकिन उस पर हम लोग बहुत नहीं कह सकते, लेकिन हम लोग सिर्फ अखिलेश का। अब आगे की क्या रणनीति है? अब माननीय मुख्यमंत्री अभी तय करेंगे। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश यादव।
प्रश्न पहले और बाद की बैठक का नहीं है। समाजवादी पार्टी जिसका पंजीकरण चुनाव आयोग में हुआ है उसका नाम समाजवादी पार्टी है, जिसके अध्यक्ष माननीय मुलायम सिंह यादव हैं। उस पार्टी का टिकट का वितरण पिछले 25 वर्षों से, तो जब से समाजवादी पार्टी बनी है, माननीय मुलायम सिंह जी कर रहे हैं। इसके पहले संसदीय बोर्ड की बैठक हुई थी लगभग एक माह पहले, उसमें निर्णय हुआ था कि जो भी टिकट का फैसला माननीय मुलायम सिंह जी करेंगे वही अंतिम फैसला होगा। उस मीटिंग को माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसमें वो सम्मिलित थे। लेकिन मेरा ये मानना है कि थोड़े समय में बाद ये सारी परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी और इन परिस्थितियों को थोड़ा समय लगेगा सामान्य होने में, सामान्य होकर के। और माननीय नेताजी ने कल भी अपने निष्कासन में ये कहा है कि अगर मुख्यमंत्री जी अपनी गलती मान लेते हैं तो वो पुनः, उनका हृदय इतना विशाल है कि वो अपने आप में इस बात को समाप्त करने का प्रयास करेंगे। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर मौजूद जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे ने अखिलेश की मीटिंग में जाने वाले उम्मीदवारों से बात की। अखिलेश यादव के घर पर विधायकों के साथ में प्रत्याशियों को भी बुलाया गया है। हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी हैं शामली के मनीष चौहान, जो कि मुलायम सिंह यादव की भी लिस्ट में है और अखिलेश यादव की लिस्ट में भी है। हम इनसे बात करते हैं इनका फैसला क्या है। मनीष जी, आप मुलायम सिंह यादव की लिस्ट में भी शामली से कैंडिडेट हैं और अखिलेश यादव की लिस्ट में भी हैं, क्या फैसला लिया है आपने? हमने फैसला लिया है कि हम माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रहेंगे और चाहे जो भी होगा वो किस्मत का खेल है, लेकिन हम लोग जी जान से पूरे तन मन धन से भैया जी के साथ हैं और इन्हीं के साथ रहेंगे। फोन आया था मुलायम सिंह के यहाँ से, आया शिवपाल यादव के यहाँ से, अखिलेश यादव के यहाँ से। रात हमारे पास पार्टी ऑफिस से, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास से फ़ोन आया था आज की मीटिंग के लिए, लेकिन हमने क्लियर मना कर दिया है कि चाहे जो भी हो, हमें तमाम तरह की बातें कही गई कि गठबंधन होगा और ये तुम्हें टिकट में दिक्कत आएगी, ये होगा, लेकिन हमने क्लियर कहा कि हम विधायक बने या ना बने, हम विधानसभा पहुंचे या ना पहुंचे, लेकिन हम भैया जी को मुख्यमंत्री बनाकर ही दम लेंगे। अखिलेश की लिस्ट में नोएडा के कैंडिडेट हैं लेकिन मुलायम की लिस्ट में आपको जगह नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है, उनकी लिस्ट में सिवाय दलाल, सिवाय वो लोग जिन्होंने पैसों से, जिन्होंने अंदर सेटिंग करके टिकट लिए हैं, अखिलेश जी की लिस्ट में वो लोग हैं जिनका सर्वे किया गया है, जो अच्छी छवि के हैं और जो चुनाव जीत सकते हैं, उनकी लिस्ट में वो लोग हैं। और चाहे वो उनके दूसरे वाले लड़ लें, हम तो कह रहे हैं हमारे सामने लड़ लें, अगर जमात जब न हो जाए तो हम लोग, सुनील चौधरी नाम है मेरा, हम लोग मजबूती से जीत के आएंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। अखिलेश जी, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद।